आज हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी ब्रॉडनेस बनेंगे 3 इंच यहाँ से यहाँ तक। तो हम इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक 3 इंच और एक्स्ट्रा 4/9 लेंगे। तो हम इस तरह से यहाँ तक लेते हैं, फिर यहाँ से हम 7 इंच लेते हैं यहाँ तक। अब हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पर ये 6 है, 6.2, तो हम यहाँ पर 3.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ पर बीच में 1/2 इंच इधर करेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से मार्क करेंगे और 1/2 इंच इस तरह से रखेंगे। फिर इस तरह से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये ऐसे ही रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे इस तरफ हमें अच्छे से शेप देना है। इस तरह से हमने बना दिए हैं। अब हम इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। अब हम इसे इस कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट करके दिखाते हैं। हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी थोड़ी रख कर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर करके चारों ओर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कट लगाएंगे, फिर इस तरह से बीच में रखना है। इसे भी यहाँ पर इस तरह से कट लगाना है। इस तरह से रखना है, इसे उठा लेना है। इसे भी इस तरह से यहाँ पर रखना है, बीच बीच में इस तरह से रखना है। फिर यहाँ पर एक कच्चा सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग के साइड से सिलाई लगाएंगे।
इसे हमने पूरा सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे थोड़ी थोड़ी रख कर, और इसे इस तरह से कट्स लगाएंगे ताकि अच्छे से पलट जाए। और अब हमें इस तरह से इसे पलट लेना है। धीरे धीरे से इसे पलटना है, ये कपड़ा बहुत ही नरम है। हम इसे प्रेस लगाएंगे। इस तरह से हमने प्रेस लगा ली है, ये देखिए इधर भी पूरा फिनिशिंग के साथ है और इधर भी इस तरह से। अब हम सिर्फ इसे इस तरह से यहाँ पर साइड साइड में तुरपाई कर लेना है।